एक मिनट, रुके, एक मिनट। ये मैं देख सकता हूँ क्या? इसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ है। कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? सब मेरी गलती है। वो जा रही थी, मैंने उसे जाने क्यों दिया? उसे रोका क्यों नहीं? उसे रोक लिया होता तो ये सब नहीं होता। जल्दी न्यूज चैनल लगाओ। क्या हुआ? अरे हुआ? ये देखो, अभी खबर मिली है, कमलपुरा जाने वाली एक बस में आग लग गई, जिसमें दो लोगों की जलकर मौत हो गई है। क्या देख रहे हैं सब? अरे ये तो वही बस है ना जिसमें रैना कमलपुरा जा रही थी। उनके चेहरे इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता ने एक चौंका देने वाली खबर दी है कि सिडायन जैसे जानवर ने बस पर अटैक कर दिया और अटैक के बाद बस में अचानक आग लग गई। डैड, ऋषभ का फोन आया था, दो जली हुई लाशें मिली हैं, बाकी पैसेंजर्स तो ठीक है, बट रैना का नो वन नोज। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो न्यूज में ये दिखा रहे थे कि वो कोई डायन जैसा जानवर था जिसने बस पे अटैक किया था। रंग राक्षस। तो फाइनली रैना मर ही गई। चलो एक टेंशन तो कम हुई। नहीं, ऐसे हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करती हूँ, फोन करती हूँ। हेलो कमिश्नर साहब जी, मैं जस्मिन बोल रही हूँ जी। अभी मैंने टीवी पर एक न्यूज देखी जिसमें एक बस का हादसा हो गया है। हाँ, वही बस जो कमलपुरा जा रही थी जी। नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। उस बस में मेरी बहू थी। तुम इतने दुखी क्यों हो? ये तो अच्छी न्यूज है, रैना का कांटा अपने आप रास्ते से निकल गया। पर जिसने बस पे अटैक किया वो भ्रम राक्षस हुआ तो? डैड, आपको डर नहीं लगता? अगर उस राक्षस ने हमारी फैमिली में से किसी एक पे अटैक कर दिया तो? तब की तब देख लेंगे। फिलहाल तो मैं अपने फायदे की सोच रहा हूँ। ऋषभ और कियारा की शादी हो जाए तो हमारी जो तंगी शुरू है वो तो थोड़ी कम हो जाएगी। बी हैप्पी। रहना मर गई। मैं नहीं मान सकती कि रैना मर गई। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ जब तक मैं कोई सबूत नहीं देख लेती। सबूत मतलब क्या? मतलब ये कि रैना बहुत ही सख्त जान है। आई एम सो श्योर वो मरी नहीं है, वो अब भी जिंदा है। यू नो व्हाट, उसे कई मौके मिले इस घर को छोड़ने के लिए, इस नकली शादी का नाटक खत्म करने के लिए, लेकिन वो ये घर छोड़कर नहीं गई। इनफैक्ट उसने इस घर में रहने के बहाने ढूंढे, बहाने भी ऐसे जैसे वो ये घर पर एहसान कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, लेकिन मुझे रहना होगा, अपने लिए नहीं, इस घर के लिए। इतनी शातिर और इतनी चालाक है वो। तुम लिख के ले लो कि उसका इस घर से जाना, ये डिसाइड करना कि वो अकेले इस घर को छोड़कर जाएगी, ये सब एक नाटक था। वो यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहती थी। एक्चुअली वो जाना चाहती थी, लेकिन वो ये चाहती थी कि ऋषभ उसके पीछे पीछे जाए, उसका हाथ पकड़े और उसे वापस ले आए। आपको इतना कुछ कैसे मालूम है? आपकी तो याददाश्त चली गई थी। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जब भी मैं रैना का चेहरा देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ कुछ करने के लिए आई है। इसलिए मैंने नलिन से पूछा कि इस लड़की का चक्कर क्या है, तो उसने मुझसे कहा कि उसे रैना पर शक है, उसके इरादों पर शक है। उसने तो यहाँ तक ये भी कहा कि वो ऋषभ को फंसाकर इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है। ये महानता, ये कुर्बानी, ये सब बुलशिट है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना, तो मैं ऋषभ को रैना से कभी शादी करने नहीं देती। लेकिन अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आ गई हो। यू नो, ऋषभ बहुत परेशान है, अब उसे
किसी का तो कंधा चाहिए था ना रोने के लिए. ऑफ कोर्स हमारे कंधे हैं ना बहुत मजबूत. तुम बार बार मुझे समझाने की कोशिश करती रही. मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, एक बात नहीं मानी मैंने. काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, तुम्हें रोक लिया होता, तुम्हें जाने नहीं दिया होता. मैंने तुम्हें रोका क्यों नहीं? May I come in? कुछ चाहिए सर? हाँ चाहिए. तो अपने बेस्ट फ्रेंड के फेस पे एक प्यारी सी स्माइली, वही देने आई हूँ. अभी नहीं किया ना. क्यों नहीं? जब एक दोस्त उदास होता है तो ये दूसरे दोस्त का फर्ज बनता है कि उसकी उदासी को दूर करे. हम कम से कम दोस्त तो हैं ना. Kiara, now is not the time. तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा. मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही है, मैंने रैना को जाने क्यों दिया, मैंने उसे रोका क्यों नहीं? वो अपनी मर्जी से गई है ऋषभ. हाँ लेकिन मैं उसे रोक सकता था ना. नहीं रोक सकते थे. कोई इंसान अगर हमारी जिंदगी से अपनी मर्जी से जाना चाहे ना तो उसे हम नहीं रोक सकते. हमें रोकना चाहिए उन्हें जो हमारी फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं. और रैना वो मेरी, हम सबकी फिक्र करती थी, परवाह करती थी. और मैंने उसे जाने दिया. क्यों जाने दिया मैंने उसे? मुझे रोक लो. Kiara, प्लीज डोंट. इट्स नॉट द टाइम. प्लीज. वो अलग बात है. क्यों अलग बात थी? वो तुम्हारी परवाह करती है, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती. तुमसे प्यार करती हूँ ऋषभ, तुम रैना से प्यार नहीं करते. वो शादी नाटक थी. बोल दो वो शादी नाटक थी. हाँ, वो सब एक नाटक था. लेकिन रैना, उसने सब कुछ पूरी ईमानदारी से निभाया. उसने हर रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहा. और मैंने क्या किया उसके साथ? उसे ब्रह्मराज के सामने अकेला मरने के लिए छोड़ दिया. उसकी आंखों के सामने उसके पापा मर गए और मैं कुछ नहीं कर सका. तो चली गई तो मैंने उसे अकेले जाने दिया, रोका तक नहीं. तो तुम क्या कहना चाहते हो? कि तुम्हारे मैं उसके लायक ही नहीं था. मैं इस लायक था ही नहीं कि उस जैसी अच्छी लड़की मेरी जिंदगी में आए. और शायद इसीलिए भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया. That's okay. I just hope कि वो ठीक हो. इस हादसे में उसे कुछ हुआ ना हो, वो जिंदा हो. रैना सच कहती थी, उसने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया और मैं हमेशा उसके खिलाफ ही था. शायद मैं तो इस लायक भी नहीं कि उसकी फिक्र कर सकूं, मगर मुझे उसकी फिक्र हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है. क्यों मैं उसके साथ नहीं था? मैंने उसे क्यों नहीं संभाला? उसे का ख्याल क्यों नहीं रखा? मैंने उसे जाने. तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र हो रही है? तुम्हें रहना की फिक्र हो रही है? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ और तुम की रहना 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 अभी भी उसी की बातें किए जा रहे हो. इनफ ऋषभ. तुम उसे समझ ही नहीं सकती. जब भी किसी को भी उसकी जरूरत थी ना, उसने किसी को अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ थी. और वो यहाँ से अकेली गई सिर्फ ये सोच के कि शायद उसे लगा इस दुनिया में वो अकेली ही है. मैंने उसे ऐसा लगने दिया, मैंने उसे महसूस होने दिया कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है. तुम मुझे तो ऐसे कभी रोकने नहीं आए थे जैसे तुम मुझे रोकने गए थे. क्योंकि मैं तुमसे प्यार, लेकिन ये अलग है.
रैना के जाने के बाद जो दर्द मुझे हो रहा है वो तब नहीं हुआ था जब तुम गई थी। ये कुछ अलग है। मेरा दिल नहीं मानता बेटा कि रैना की मौत बेटा वो यही कही है। वो वापस आ जाएगी ऋषभ आ जाएगी। अगर है तो कहाँ है मॉम? क्या सबूत है कि वो है और क्या सबूत है कि वो मर गई है? बस इसी उम्मीद पर हम जिंदा हैं। ये औरतें तो पागल थीं, अब ऋषभ को भी पागल कर दिया है। अगर कियारा चली गई तो हमारी बैंक की चाबी चली जाएगी। क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस रैना ने तो मरने के बाद भी मुसीबत खड़ी कर दी है। बाय। जा रही हो? यही तो तुम चाहते हो ना कि मैं चली जाऊं? जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे लिए वापस आई थी ऋषभ, लेकिन तुम तो पहले किसी और के हो चुके हो। हमारे बीच जो कुछ भी था कियारा, बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। गलती तुम्हारी थी या मेरी, मुझे इसमें नहीं पड़ना। चाहे जैसे भी हुआ, जिस वजह से हुआ खत्म हो चुका है। और हाँ, ये सब रैना की वजह से नहीं हुआ, उसका इससे कोई वास्ता नहीं। फिर रहना। ऑल राइट, बाय। गुड मॉर्निंग। हाय अंकल। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ? ऋषभ, ऋषभ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? तुमने उसे जाने कैसे दिया? डैड, मॉम की तरह आपको मुझसे ये बात तब पूछनी चाहिए थी जब मैंने रैना को जाने के लिए कहा। कियारा के साथ तो मेरा रुकने या जाने का रिश्ता ही नहीं था। इनफैक्ट अब तो दोस्ती का रिश्ता भी नहीं बचा था। हाँ, रैना के साथ एक रिश्ता हो सकता था। कियारा मेरा पास्ट थी डैड, रैना के साथ मेरा फ्यूचर हो सकता था। व्हाट यू मीन? मतलब ये मॉम और जस्सी दादी ठीक कहती हैं। मुझे सबूत ढूंढना होगा मॉम। मुझे भी लगता है रहना है वो वहीं कहीं होगी जहाँ हादसा हुआ था। मुझे जाके उसे ढूंढना चाहिए। मैं चाहता हूँ मॉम। ऋषभ, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने शादी उसे उस लड़की के लिए, उस शादी के लिए लड़की दिखाई, गलत रास्ता दिखाया। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। सच तो यह है कि ऋषभ अब बड़ा हो गया और हमारी बात नहीं सुनेगा। वैसे भी अब आप और मैं तो क्या, ऋषभ को कोई नहीं रोक सकता। काश वो रैना मर गई हो, उसके मरने के बाद ही ये सारा तमाशा खत्म होगा। मैं यहाँ कहा तो संभल के। आप? मैं आपको कैसे मिली? तुम मुझे नहीं, मेरे बेटे को मिली। होश आ गया तुम्हें? तुम? ये शिवम है, मेरा बेटा। शिवम? ये आपका बेटा है?
हाँ। तुम 4 साल का हिसाब था पूरा हो गया ना? 4 साल का हिसाब मतलब? कॉलेज के पहले दिन पर इसने मुझे बहुत परेशान किया। इसने ऐसे मेरे मुंह पर पानी का ग्लास फेंका। मैंने भी सोचा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, कभी ना कभी इसका बदला जरूर लूंगी। और देखो आज 4 साल बाद हिसाब पूरा हो गया। कॉलेज मतलब तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हाँ माँ, जब मैं आई की पढ़ाई के लिए पुष्कर गया था तो मुझे तो लगा ये भी गई। मेरा मतलब है अब कहाँ मिलेगी मुझे। पर मिल गई ना, और हिसाब पूरा कर लिया ना। तुम लोग बिना, मैं तो डर ही गई थी। वैसे मैं तुम्हें कैसे मिली? मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने तुम्हें उस बस में चढ़ते हुए देखा। मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूंगा, पर फिर वो ब्रह्म राक्षस ने हमला कर दिया। हाँ मैं जानता हूँ ब्रह्म राक्षस के बारे में। इसी पुराणिक विषय के बारे में पढ़ने गया था मैं कि अपने इस गाँव को खतरे से कैसे बचाऊं, पर मैंने सुना कि उस राक्षस का विनाश हो गया, उसका खौफ गायब हो गया। पर माँ को शक था, और पढ़ाई करने के बाद मैं जान गया था कि ब्रह्म राक्षस मरते नहीं है, पर ये नहीं जानता था कि उस राक्षस से इतनी जल्दी मिलना होगा। अब कुछ नहीं, अब तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं और शिवा मसूर स्थल जाके आते हैं। मैं भी चलूंगी। ठीक है चलो। ऋषभ अब तक आया क्यों नहीं, कहाँ गया होगा? पुलिस ने हर जगह पर छानबीन कर ली लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गायब होगी वो। गायब हो गई मतलब? हेलो, हाँ पुली। हाँ वो रहना। पुली मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, इस वक्त रहना। रहना हमारे घर पे है। क्या? हाँ रहना तुम्हारे पास है, मतलब वो ठीक है? हाँ वो ठीक है और इस वक्त मेरे पास है। रहना जिंदा है, कमलपुरा में फूली के पास है। एक बार फिर से तुमने हम सबकी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं बात करता हूं। हेलो फूली। क्या हुआ? फोन कट गया। क्यों बताया आपने? उनको बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रहना मोहिनी जी चिंता कर रही थी, बहुत दुखी थी वो, इसीलिए बताया ना। और जब मैंने उन्हें बताया कि तुम ठीक हो तो कितनी खुश हुई वो। नहीं पर अब मैं उनके घर का, उनकी जिंदगी का और उनके सुख दुख का हिस्सा नहीं हूँ, और वो भी मेरे सुख दुख का कोई हिस्सा नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं कैसी हूँ, तो प्लीज उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। चलें। चलो। लेकिन रहना कमलपुरा कैसे पहुंची, किसी को नहीं पता? वो जिंदा है इतना काफी नहीं है। हाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं जाके उसे देखता हूँ। कहाँ? कमलपुरा? हाँ हम भी चलेंगे। हाँ अगर हमारा बेटा यही चाहता है तो हम सब लोग चलेंगे कमलपुरा। हाँ जरूर जाएंगे, उसे मनाने के लिए तुझे सबकी जरूरत पड़ेगी और खास कर मेरी। बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ अब तो तू भूलेगी ना, वरना मेरी जायदाद में से तुझे खुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रहना कमलपुरा में, अब क्या करने का इरादा है इसका? ये खून के निशान, ये भी इंसानी खून के निशान है। शायद ये राखी का खून होगा। ये ब्रह्म राक्षस वैसा नहीं जैसे पहले था, ये कुछ अलग है, पहले जैसा नहीं है। हाँ क्योंकि इस बार वो एक औरत है, और जब औरत एक ब्रह्म राक्षस बनती है तो उसमें आदमी से ज्यादा शक्ति होती है। माँ ये ब्रह्म राक्षस पहले जैसा नहीं है। हम सब जानते थे कि उस राक्षस के पीछे बनने की एक वजह थी जो हम सबको मालूम थी। उस राक्षस से कैसे बचना है हम सबको मालूम था, कि दुल्हन का लाल चूड़ा, लाल जूड़ा और श्रृंगार नहीं करना है। और इस बार तो हम कुछ जानते भी नहीं, ये कौन है, कैसे बना, कैसे मिटेगा, हम कुछ नहीं जानते। इसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा
हमें कुछ नहीं मालूम। इस बार तो उसे कमल और राजगिरा से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस अलग है। और हर ब्रह्म राक्षस के पीछे एक अलग वजह होती है, अलग कहानी होती है, इसलिए उनकी शक्तियां भी अलग होती हैं। पर अब हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बस अब उम्मीद करो कि वो सामने आए और उसका रूप दिखाई दे। पर इसमें तो बहुत खतरा होगा। खतरा तो है, पर जब तक वो सामने आके वार नहीं करेगा हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे रोकना है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कैसे दिखती है, क्या रूप लेती है, क्या रंग बदलती है, कितनी शक्तियां हैं। मैं उस ब्रह्म राक्षस को मार देना चाहती हूँ। बस दुआ करो कि तुम्हें मारने के लिए वो सामने आए और उसका रूप दिखे। वो सामने आएगा तभी उसका रूप सामने आएगा, उसकी ताकत सामने आएगी। पर उस पुराने ब्रह्म राक्षस का क्या? उन्हें तो गांव वालों ने कहीं जंगल में दफन कर दिया है। ये लो। नहीं नहीं, मेरा हो गया, प्लीज मुझे। ना, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। देखो कितनी कमजोर हो गई हो, और खाना नहीं खाओगी तो दवाई का असर कैसे होगा, ताकत कहाँ से आएगी? ब्रह्म राक्षस से भी तो लड़ना है। नहीं नहीं, बस है ना, लो तुम लो। और चाहिए? ऋषभ क्या कर रहा होगा इस वक्त? मेरी फिक्र तो नहीं कर रहा होगा। क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मेरे बगैर मतलब तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो? क्यों? क्यों मतलब? चलोगे कि नहीं बाजार? हाँ चलूंगी ना। अरे ऋषभ सुन। मॉम, मैं फूली के घर जा रहा हूँ, कॉल करता हूँ। अरे अंदर तो चलो। हम यहाँ अंदर कैसे जा सकते हैं? ये हवेली तो हमने बेच दी है ना, तो किसी होटल में चले जाते हैं। कोई अच्छा होटल तो होगा ही ना यहाँ? हाँ होगा तो, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। ये हवेली मेरे एक दोस्त ने ही खरीदी है। मैंने उससे पूछा था कि कुछ दिनों के लिए हम यहाँ रह सकते हैं क्या, उसको कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट ही इज वेरी हैप्पी फॉर इट। चलो अंदर चलते हैं। आओ आओ चलो। पर आपका ये दोस्त है कौन? ये हवेली खरीदी किसने है? मॉम, मैं जाता हूं। वेलकम वेलकम वेलकम। इस हवेली में आप सभी का स्वागत है। ये हवेली मैंने खरीद ली है। Well, not technically, मेरे डैड ने खरीदी है, लेकिन मुझे गिफ्ट करती है। Welcome home. बहुत अच्छा लगा आप लोग सब यहाँ पर आए। I'm glad. आप सबको यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। I'm so glad you're here. इतना बड़ा लिस्ट है, शिवम कहाँ रह गया? अकेले मैं कितना करूंगी?
सब यहाँ कितने खुश लग रहे हैं। सबके चेहरों पर खुशी, कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं। पर उस राक्षस के वापस आने के बाद सबके चेहरों का रंग भी उड़ जाएगा। वही खौफ, वही खतरा। चूड़ी ले लो, सिंदूर ले लो। अरे दीदी दीदी, चूड़ी सिंदूर ले लो ना, कुछ तो ले लो। अब मुझे इन सब की क्या जरूरत? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे दीदी दीदी, कल से कुछ नहीं बिका है। ये ले लो ना, सिंदूर ले लो। चलो ठीक है, दे दो। साजन बिना सुहागन, बिन फेरे हम तेरे, बिन सुहाग गहने मेरे, तुझे इसकी क्या जरूरत? शादी तो हुई नहीं दिखती, पर शादी के सारे गुण दिखते हैं। सर्वगुण संपन्न दिखती है। हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जब तू शादी करेगी तो पूरी दुनिया बदल देगी, इस संसार को स्वर्ग बना देगी। पर प्रश्न ये उठता है कि तुझसे शादी करेगा कौन? ये क्या बात हुई, और कौन हो तुम? तुम? आप बोल बालिका, आप। हमारा नाम बाबा चमत्कारी, भगवान की सवारी। चमत्कार देखेगी तो कैसा दूल्हा चाहिए तुझे? अभी के अभी यहीं पे खड़ा करता हूँ, रचा लेना स्वयंवर। कोई जरूरत नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए तो सिंदूर खरीद रहे। अच्छा, दे दो। शादी हो चुकी है, मंगल सूत्र कहाँ है? वो एक्सीडेंट में गिर गया था। ना बालिका ना, दुर्घटना जैसी कोई वस्तु नहीं होती, ये सब तो मन की घटना होती है, सारे बहाने होते हैं। मुझे लगता है तेरा मन बहुत विचलित हो गया है। आ, तेरी सहायता करे, बदल दे तेरी दुनिया। पर मेरी दक्षिणा होगी ये सिंदूर की डिबिया। भाग जा यहाँ से। ये कैसी बात हुई? मुझे अपनी सिंदूर की डिबी वापस दे दीजिए। अब कैसे बाबा है, अब मुझे वापस दे दीजिए। आप हंस क्यों रहे? पहले तू नीचे बैठ और मेरी बात सुन, तुझे सुननी पड़ेगी। मैं तेरी जिंदगी सवार दूंगा। क्यों सुनूंगी मैं आपकी बात? दे दो मुझे सिंदूर की डिब्बी। क्या क्या बात कर रहे हो? ऋषभ यहाँ आया है? ये बाप है? बाप नहीं, तेरा बाप, तेरा बाप आया है। शर्म नहीं आता? क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो तुम? बोलो बेटा, मैं तो बालिका का उद्धार कर रहा हूँ। उद्धार? ये उद्धार का सिंदूर लेकर ना, सुन चले गले यहाँ से, नहीं तो खड़े खड़े तेरा उद्धार कर दूंगा। मुझे धोती बांधनी नहीं आती, अगर खोलनी आती है चीर हर देखना। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, तुम्हारा सिंदूर। ये सिंदूर तो मैंने ऐसे ही, वो एक लड़का बेच रहा था ना, तो मैंने सोचा कि हाय रैना, सो नाइस टू सी यू हियर। ऋषभ को मैंने इनवाइट किया हवेली पे, वो हवेली मैंने खरीद ली, यू नो दैट। तो फिर आई थॉट कि क्यों ना सब मिलकर एक थोड़ा सा गेट टुगेदर करते हैं, यू नो लाइक अ हॉलीडे। हमें पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो हम तुम्हें भी इनवाइट करते हैं। वो मुझे कुछ काम है। अरे रहना, क्या हुआ? वो यहाँ आया है, मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ छुट्टियां मनाने आया है। रहना, मैंने तो उसे कहा था तू यहाँ आई है, इसीलिए वो आया है, सिर्फ तेरे लिए आया है। नहीं, वो मेरे लिए नहीं आया, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। तुम इतने पास थे, इतने करीब, हाथों में हाथ डाल के एक साथ। क्या कर रही हो? यू वेलकम। पूरी मीन, व्हाट वेलकम? तुम्हारे वाली को जेलस करने, तुमने देखा नहीं मैंने क्या किया? उसकी शक्ल देखने लायक थी, वो इतनी जेलस हो गई थी। पूरी मीन क्या रहा? आई डोंट गेट इट। कमलपुरा में क्या कर रही हो यार?
मेरे डैड ने तुम्हारी हवेली खरीदी, सो टेक्निकली अब वो मेरी है। ऋषभ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आई वॉज वेरी सेल्फिश, इसीलिए तुम्हें और रैना को एक करके मैं अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का करना चाहती हूँ। कैसे करूँगी? वो ऐसे कि जेलस तो वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो क्यों ना उसे और जेलस किया जाए। ऐसा करते हैं, उसे ये दिखाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर हमारा प्यार देखकर उसके अंदर का प्यार भी जाग जाएगा। यू नो, दिल की बात जुबान पे टाइम्स। हाउ स्टूपिड। नो नो, कम ऑन ऋषभ, आई एम सीरियस। देखो, जब तुम किसी लड़की से प्यार करो ना और उसे पाना चाहो, तो उसे जलाओ। कोई भी लड़की जलस होके खुद ब खुद चले आती है। मैं भी एक लड़की हूँ, आई अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे। मैं क्यों समझूं और मैं क्यों सोचूं वो किसके साथ क्या कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी उसके लिए ये सब तो सिर्फ एक नाटक था ना, दिन में 100 बार कहता था नाटक है नाटक है नाटक है ना। कहने को तो इंसान कुछ भी कहता है, पर मैंने वो देखा जो नहीं कहता, वो तुझसे प्यार करता है। नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता। रैना, वो तुझसे ही प्यार करता है। मैंने मैंने देखा है वो कितना ख्याल रखता है तेरा, कितनी फिक्र करता है तेरी। मुझे याद है जब जब मैंने उसे ये कहा था कि ब्रह्म राक्षस ने तुझ पे हमला किया, तो कैसे भागा भागा चलाया था तुझे बचाने। और रैना, इंसान के पांव तभी भागते हैं जब उसका मन भागता है, और उसके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार है, वो तुझसे प्यार करता है, और इस वक्त भी वो सिर्फ तेरे लिए आया है। माँ, वो सरपंच जी का बेटा आया था, वो जश्न का न्योता देने, वो जमींदार और उसके परिवार आए हैं ना, तो उनके स्वागत के लिए जश्न रखा है। अब ठीक है, तो हम भी जाएंगे जश्न में। बड़े साहब आइए, कमलपुरा गांव में आपका फिर से स्वागत है। ऋषभ मान गया है? मान जाएगा, फिकर नॉट। सुन, रैना कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तू मिला कि नहीं उससे? देख, जैसे भी हो तुझे उसका दिल जीतना ही पड़ेगा, और अगर नहीं जीता ना, तो मैं अपनी वसीयत से तुझे निकाल दूंगी, समझा? अरे, फूली आ गई, रैना भी उसी के साथ है। जय अम्बे, जय गौरी। ठीक हो? अब यह है मेरा बेटा शिवम। आइए बैठिए। ऋषभ के पास जाके बैठो। आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं जश्न मनाने के लिए, इस शाम को हसीन और रंगीन बनाने के लिए। हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़े हैं, हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए मेरे स्वागत करने। इसके बदले में मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। एक अच्छा सा गाना हो जाए। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे खास मेहमान लोगों का मनोरंजन करें, ये हमें पसंद नहीं। हम लोग करेंगे आप लोगों का मनोरंजन। सही कहा, आपके पिता इस गांव के नए जमींदार होने वाले हैं, और जमींदार की बेटी गांव में सबके सामने गाना गाए, ये अच्छा नहीं लगेगा। लाखन, ये क्या इतना ठंडा जश्न, ऐसा और इसका गाना सुनेंगे? अब अगर इसका गाना सुनना ही होता तो हम शहर में ही सुन लेते थे, शहर से यहाँ तक गांव में आने की क्या जरूरत थी? और वैसे इतने दिनों से हमारे घर में तो पड़ी थी, मतलब कि रहती थी। अरे भाई, गांव आए हैं तो कोई गांव की चीज दिखाओ, है ना? It's okay. जो इनके गांव की परंपरा वही तो कर रही है, करने दो।
लाखन, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? एक चीज है, इसमें गाना नहीं गाते, यहाँ दिल खोल के नाचते हैं। पहले भी गांव में एक जश्न में ऐसी रौनकें लगी हैं, आज फिर हो जाए। तेरा वक्त आ गया है, तेरी मौत तेरे पीछे आ रही है। मैं आ रही हूं। मैं क्यों रो रही हूं? क्यों सोच रही हूं उसके बारे में? उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ना चाहिए। भूल जा रहे ना, भूल जा रहे शब के बारे में। तो याद करने के लायक ही नहीं है। भूल जाओ उसके बारे में। चिंदी कहां चली गई? तुम यहां क्या करने आए हो जंगल में? रैना को ढूंढ रहा हूं मैं। इट्स ओके ऋषभ, तुमने उसका चेहरा देखा था? उससे ना ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तो खेल की शुरुआत है अभी। देखो बहुत हो गया ये खेल, मुझे और नहीं खेलना। ओके क्या कर रहे हो ऋषभ? सारे किए कराए पे पानी फेर दोगे। अभी तो हमें और नाटक करना। नहीं करना मुझे नाटक, और नाटक नहीं करना मुझे। बहुत नाटक ड्रामा कर चुका हूँ, इनफ। ऋषभ अगर उसको कोई फर्क पड़ता ना तो वो इस तरह रिएक्ट नहीं करती। आई डोंट थिंक उसे कोई फर्क पड़ा है। देखो थैंक्स फॉर योर हेल्प, अब जो करना है मैं कर लूंगा। ये कियारा किससे बात कर रही है? ओके टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बात करनी है तुमसे।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिंदी कौन है? कोई नहीं है, फिर मुझे क्यों लगा कि कोई था? देखा क्या हुआ? तुमने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं देख सका। मैं भी नहीं देख सकी। कौन है ब्रह्म राक्षस? चिल ना, ब्रह्म राक्षस चला गया है, रिलैक्स। ये उसका पांचवा हमला था मुझ पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। सेलिब्रेट करो और क्या। हाँ हाँ, हम सब जानते कि ब्रह्म राक्षस है। और यही है और उसकी नजर तुम पे है, तब करना यह कि उसे किसी भी तरह अपने जाल में फंसा के खत्म करना है। इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। छोड़ो, चलो उठो, आगे का ड्रामा घर पे करते हैं या इस जंगल में करना है? क्या बोले जा रहे हो तुम? तो और क्या बोलूं? खुश रहो, खुशियां ढूंढो। उस भ्रम राक्षस को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप सामने आएगा, पकड़ा जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो, बहुत देर से दे रहा हूं, थक गया हूं, पकड़ो। शिवम, तुम ऐसे कैसे हो? अभी अभी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, तुम ऐसे मजाक के मूड में कैसे हो सकते हो? मौत से बचने के बाद इतनी अजीब दास्तां, मीना कुमारी कैसे? हाँ? दिल अपना और ब्रह्म राक्षस पर आया। What? मेरे गाल मत खींचो, मुझे पसंद नहीं है शिवम। ओके, वैसे तुम्हारे पास वो लाल लाल गाल भी नहीं रहे। अपने अमर प्रेम से मिलने के बाद तुम्हारे गाल तो सूख के शहीद हो गए। शिवम, मैं कह रही हूँ, मैं मारूंगी। हाँ,